चलो चलो जल्दी एक मिनट आ जाओ ये आरपीएससी में जो चोर बाजारी चल रही है, या तो आरपीएससी गलत है या सरकार गलत है। जो सरकार की योजनाओं को आरपीएससी गलत ठहरा रही है, ये तो सरासर गलत है। या आर्थिक समीक्षा को बदला जाए, हमारा जो शोषण किया जा रहा है ये रिजल्ट रिवाइज निकलना चाहिए। हमें समय नहीं मिला है, दो दिन मिले पढ़ने के लिए, क्या पढ़ेगा आदमी? समानता का अधिकार का लड़ना है हमारा। उन परीक्षार्थियों से हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो हमारी समस्याओं को सुने और दोबारा से एग्जाम कराया जाए। मेरा नाम बलराम है, मैं अलवर से आया हूँ। मेरा जो हमारी उन परीक्षाओं थे जिन्होंने एग्जाम जिनको टाइम मिला है 45-50 दिन का, और हमें मिला है दो दिन का, तो ये साफ ये यहाँ अन्याय दिखाई दे रहा है आपको। और दो दिन में कैसे तैयारी है वो आपको रिजल्ट चल जाएगा। अब तुम्हारी यही दरखास्त आरपीएससी से ही है, रिजल्ट रिवाइज करे और आरपीएससी एग्जाम पे बैन लगाए। किस चीज़ का पेपर था? आर एस मेंस का फर्स्ट पेपर था। पेपर काफ़ी सरल था और हमें तो कठिन लगा है क्योंकि हमें टाइम कम मिला है दो दिन का। और हमारी उन कैंडिडेट से कंपेयर करोगे जिन्हें आप 45-50 दिन दे रहे हो और हमें दो दिन दे रहे हो, तो हमसे आप क्या उम्मीद रख सकते हो? ये राजस्थान का एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो उसमें अब दो दिन में हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले तो ये हमारे लिए एक तरह का दुर्भाग्य है। ये मतलब एक सपना ही है और बहुत कठिन है ये सपना देखना। मेरा नाम यजवेंद्र शेखावत, झुंझुनू से। सर यही प्रॉब्लम है कि अब टाइम तो देना चाहिए था ना इनको, और बच्चों को 6 महीने का टाइम, हमें एक दिन का भी नहीं है कि बच्चों को कल डाला है परमिशन लेटर, तो बहुत गलत हुआ है। अलवर से प्रियंका शिपा। फर्स्ट पेपर था जो कि सामान्य रहा, ज़्यादा गहरा पेपर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा पेपर था। लेकिन समस्या ये है, कह रहा हूँ, जिनकी 4 दिन के अंदर हम लोगों को शामिल किया गया आरएस मेंस के लिए, अब 4 दिन के समय के अंदर इस इतने बड़े सिलेबस की तैयारी नहीं हो पाती, इनको आरपीएससी कम से कम 45 दिन का समय देना चाहिए। और आयोग से हम मांग करेंगे कि इसको वापस से आरएस मेंस का परीक्षा वापस कराई जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑर्डर लगा हुआ है, अगर वहाँ से हमें मिलती है तो 4 महीने का टाइम लेकर के वापस इसे एग्जाम दिलवाए जाएंगे। दिनेश कुमार नाम है, जोधपुर से। मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ, मैंने 2-3 साल से मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अब की बार जो भेदभाव हुआ कि मैं 2 क्वेश्चन सही करके आया, 2 सरकार की योजनाएं होने के बाद में आरपीएससी आयोग इनको नहीं मान रहा है। दूसरी बात, हमने सुप्रीम कोर्ट तक इनकी लड़ाई लड़ी है, इसके बाद में जब रिवाइज रिजल्ट आया तो ये 200-300 लड़के पास हुए हैं, जितने भी लड़के पास हुए उनको कम से कम 45 दिन का टाइम तो देना चाहिए। इन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन के टाइम में हमने हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया। दो दिन के सिलेबस में हमने हमारा सिलेबस भी नहीं देख पाए, इससे हम क्या मेहनत देंगे? और दूसरी बात है कि मतलब ये आरपीएससी है क्यों इतनी जिद्दी पर अड़ी हुई है? एक लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम, और ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म नहीं है, हम आगे तक अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि हमें और टाइम चाहिए। हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? 6 महीने का टाइम मिल रहा है, हमें 2 दिन का टाइम मिला है, तो हम निश्चित आगे तक लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारा धरना प्रदर्शन जो भी है ख़त्म नहीं है। ये इसमें एक्चुअली मेरा नाम राम स्वरूप मीना है, मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ।